मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको खाली हाथ लौटा रही हूँ। मत पूछो राशिदा, मैंने कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दिया। आप भी प्लीज मुझसे जिद मत करें बाबा। मुझे लेक्चर मत दो, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझे मत समझाओ। मैंने अपना और तुम्हारा रिश्ता इस घर से हमेशा खत्म कर दिया। और तुम्हें पता है, जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैना कि तुम्हें बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैना कि तुम्हें बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी देखना तुम। वो खुशी की खबर क्या हो सकती है जो मुझे मिलने वाली है, जिससे मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। क्या सोच रही हो जैना? मैं यही सोच रही हूँ, तुमने कहा था कि मुझे कोई खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, ये बात सच। बहुत दिनों से मैं तुमसे ये बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। तुम तो नवनीत से मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कैसे हो सकती है? नवीन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और तुम उसे मोहब्बत करते हो ना? खूबसूरती किसी के चेहरे में नहीं बल्कि देखने वालों की आंखों में हुआ करती है। और मेरी नजर में सबसे हसीन चेहरा तुम्हारा है और किसी का नहीं। क्या तुम सच? आपको पता है, आर्यस के मामू इस्लामाबाद चले गए लेकिन उनकी बेटी अभी भी वहीं रह रही है। तो क्या फर्क पड़ता है, वो उनकी पप्पो का घर है, जब तक चाहे रहे। हाँ, तो हमेशा दूसरों की ही साइड लिया करें। नवीन बता रही थी कि जहना बहुत खरी लड़की है और बहुत अच्छी सहेली भी बन गई है उसकी। क्या नवीन की सहेली बन गई है? ये नवीन को कहाँ मिली थी? मुझे पता था ये एक दिन सबसे पहले नवीन को ही काबू करेगी, इसके बाद आ रही है इसको। अरे छोड़ो ये सब बातें, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। ऐसी सहेलियां हैं एक दिन सौतन बन जाती हैं। याद रखिएगा मेरी बात। तुम्हारा मसला क्या है? हमेशा बुरा ही सोचना।
कभी किसी के बारे में अच्छा भी सोच लेना चाहिए। सही तो एक ही है और इनकी बेटी है, बुरी तो मैं ही हूं ना। ये क्या कर रही हो जैन तुम? तुम्हारी शूज पॉलिश कर रही हूँ। छोड़ो, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको हाथ लगाए। और तुम तो बिल्कुल नहीं जैन। क्यों, क्या बात है ऐसी मुझ में? बहुत बड़ी बात है तुम में। काबिले एहतराम हो तुम मेरे लिए। बात सुनो, काबिले एहतराम बुजुर्गों को कहा जाता है, मैं तुम्हें बुजुर्ग नजर आती हूँ। जो लोग अपने जज्बों की कुर्बानी देते हैं वो काबिले एहतराम होते हैं। तुम अपने जज्बों की कुर्बानी देकर मेरे लिए एहतराम के काबिल हो गई। बहुत बातें करते हो तुम, तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। हेलो, हेलो, बेटा तुम्हारे बाबा का फोन आया था। कह रहे थे मेरी बेटी को कब भेज रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रुकी हुई हूँ और बाबा इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने आपको फोन किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया, वो अभी गुस्से में है और जब इंसान गुस्से में होता है ना तो कुछ भी बोल देता है। आप दोनों सगे बहन भाई हैं और सोच में जमीन आसमान का फर्क है। काश के मेरे बाबा की भी सोच आपके जैसी होती। बेटा वो मेरे भाई हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। सही कह रही हैं आप। मैं जरा बाबा से बात करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरी बात मुझसे करें, किसी और से नहीं। पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कल से फोन कर रही हूँ, मेरी कॉल से नहीं उठा रहे। जैना भाई साहब तुम्हारे यहाँ रुकने से खुश नहीं है। हम तुम्हारे जाने में रुकावट नहीं बनेंगे, तुम खुशी खुशी जा सकती हो। तो आप भगा रही है मुझे इस घर से। कैसी बातें कर रही, तुम तो मेरी बेटी हो। और बेटियां तो आंखों की ठंडक और दिल का सुकून होती हैं। फिर तो ठीक है, ये बेटी इस घर से तभी जाएगी जब इसकी डोली उठेगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे ये जिम्मेदारी दी है ना, अब देखना मैं कितनी अच्छी तरीके से निभाऊंगी।
बाबा की किसी बात का बुरा नहीं मानेगा, मेरी वजह से ना वो बहुत फिक्रमंद हुए हैं। मैं जानती हूँ बेटा। चाय लाऊं आपके लिए और नाश्ता? नहीं, बैठकर बातें करती रहो। और वैसे भी फूफो की इजाजत के बगैर तो मैं वैसे भी नहीं आ सकती। ओहो, फूफो की फरमाबरदार भतीजी? हाँ, भतीजी नहीं, फरमाबरदार बेटी। यानी के आरेस की सिस्टर। तुम्हें अब भी मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी नाराजगी की वजह क्या है? ये बताओ कि तुम घर कब आ रही हो? आरेस की मंगनी तक तो मैं यही हूँ, फिर सोचूंगी। और वैसे भी अभी आके मैं क्या करूँ, वहां पे मेरी यूनिवर्सिटी तो अभी ऑफ है। What? तुम यूनिवर्सिटी खुलने तक औरों के घर में रहोगी? वो बहुत अच्छी लड़की है, सबका भला सोचने वाली और बहुत ज़हीन भी है, और वो आपके रवैये को ना बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। वजह पूछी थी उससे मुझसे, और मैंने सब बता दिया। मैं जरूर आऊंगी तुमसे मिलने, लेकिन इस वक्त नहीं आ सकती, घर में कोई भी नहीं है, और वैसे भी फूफो की इजाजत के बगैर तो मैं वैसे भी नहीं आ सकती। ओहो, फूफो की फरमाबरदार भतीजी? हाँ, भतीजी नहीं, फरमाबरदार बेटी। यानी के आरेस की सिस्टर। हाँ, कजन सिस्टर ना? जी, कजन सिस्टर। यानी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अब मेरी नन भी बनने वाली हो? हाँ नवीन, वैसे अब ये तुम पर है, तुम मुझसे जैसा भी रिश्ता रखना चाहो। वैसे मैं तो तुमसे एक और भी रिश्ता रखना चाहती हूँ। वो क्या? वो जब सही वक्त आएगा तब बताऊंगी। ठीक है, उस वक्त का इंतजार करूंगी मैं। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें पिक करने कितने बजे आऊं? मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। तो बेटा, तुम राशिदा बहन की भतीजी हो, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। तुम हमारे लिए नवीन की तरह हो, इस घर को अपना ही घर समझना। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक। काफी दिन हो गए आप पप्पो के घर नहीं आ रही। अभी परसों तो आई थी, तुम्हारा पूछा भी था मैंने, लेकिन तुम आरएस के साथ घूमने गई हुई थी। एक्चुअली जब से मैं कराची आई हूँ ना, आरएस रोजाना कहीं ना कहीं मुझे घुमाने ले जाता है। तो कैसा लगा हमारा शहर? बहुत ही अच्छा शहर है ये। कराची की आबो हवा बहुत मुख्तलिफ है, यहाँ के लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। एक्चुअली आई एम रियली लाइकिंग इट। जब इंसान अंदरूनी तौर पे अच्छा होता है तो खुद ब खुद उसे बाहर के सब लोग अच्छे लगते हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं।
नवीन कहाँ गई? अपने कमरे में तैयार होने गई है। अच्छा, मैं नवीन के कमरे में चली जाऊँ? चली जाऊँ, उधर सामने। मैं नवीन से मिलके आती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, तमीजदार। आपको तो हर कोई बहुत तमीजदार लगता है। कराची बहुत अच्छा है। पता है, मैं इस्लामाबाद में कभी कभी बोर हो जाती हूँ। हाँ, इस्लामाबाद है भी थोड़ा सा बोर। लगता है आरिस की और तुम्हारी पसंद एक जैसी है। उसे भी बीचेस बहुत पसंद है और तुम्हें भी? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें पता है, मैं और आरिस पहली बार इस बीच पर मिली थी, इसलिए मैं इस बीच को बहुत लकी समझती हूँ अपने लिए। आरिस भी पहली बार मुझे घुमाने यहीं लेकर आया था। सच्ची? तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए भी ये बीच लकी है, राइट? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना बीचेस नहीं पसंद। मैंने तो उसे कहा था कि मुझे कहीं और घुमाने लेके चलो, लेकिन जब आरिस ने मुझे बताया कि उसे बीचेस पसंद है, तो फिर मैंने उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया। तो इसका मतलब कि हम तीनों की पसंद मुश्तरक है। वैसे तुम्हें मेरी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छी। अंकल तो बहुत फ्रेंडली हैं। पता है तुम्हें, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि एक बेटी अपने बाप के सामने बैठी हुई है। मगर आंटी का रवैया मुझे काफी तर्क लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या वजह है इसकी? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो ना कुछ गलतफहमियों का शिकार हो गई है। कैसी गलतफहमी? वही जो मुझे हुई थी। फिर तो उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी के हवाले से बड़ी दूरअंदेशी से ही सोचती है। बहुत अच्छा लग रही है कलर तुम्हारे पर। थैंक यू। चलिए उस साइड पर चलते हैं। ऐसी क्या नाराजगी आपको मुझसे जो आप मेरा फोन तक नहीं उठाते? तुम्हें अब भी मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी नाराजगी की वजह क्या है? ये बताओ कि तुम घर कब आ रही हो? आरिस की मंगनी तक तो मैं यही हूँ, फिर सोचूंगी। और वैसे भी अभी आके मैं क्या करूँ, वहां पे मेरी यूनिवर्सिटी तो अभी ऑफ है। व्हाट? तुम यूनिवर्सिटी खुलने तक औरों के घर में रहोगी? बाबा, औरों का मतलब होता है गैर, और ये लोग गैर नहीं है। इनफैक्ट इस घर में कोई भी गैर नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। और पता है क्या, आप मेरे हवाले से ना मुझे फोन मत किया। हेलो हेलो बाबा, फोन काट दिया मेरा। ज़ैना, मुझे मेरी ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस के लिए, देर हो रही है, मुझे प्लीज जल्दी से ढूंढ कर दो। आरिस, हद होती है तुम्हारी, भूलने की आदत कब जाएगी? कल को नवीन आएगी, वो तो तुमसे परेशान होगी ना, भाग जाएगी। और वैसे भी मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ यहाँ पर, तो अपनी आदतें बदल लो तुम। ओ मेहमान साहिबा, जब तक तुम यहाँ पर हो ना, मेरी तमाम चीजों की तरतीब तुम लगा के रखा करोगी। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे बाद जो है वो नवीन लगाएगा। तुम एक काम करना कि नवीन को मेरी आदतों के बारे में और मेरी रूटीन के बारे में सब कुछ बता देना, हाँ, ताकि उसको परेशानी ना हो। बाय द वे, कितनी बातें करती हो तुम, मुझे देर हो रही है और तुम यहाँ पर खड़ी हो। चलो मेरी शर्ट ढूंढो। चलो चलो चलो, प्लीज जल्दी करो।
जल्दी आओ, मुझे जाना है, देर हो रही है। अच्छी बेवकूफ लड़की हो तुम, जिस लड़की का मुझे आर्यस के घर रहना पसंद नहीं है तुम उसे यहां लेके आ रही हो। मम्मी आप जैसा सोच रही है ना, उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, सबका भला सोचने वाली और बहुत ज़हीन भी है, और वो आपके रवैये को ना बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। वजह पूछी थी उससे मुझसे और मैंने सब बता दिया। उसे बताने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कुछ सोच रही होगी। कुछ नहीं सोच रही वो, बल्कि उसने तो मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी माँ की जगह कोई भी माँ होती तो वो ऐसा ही सोचती, क्योंकि माएँ अपनी बेटियों के लिए दूरअंदेशी से सोचती हैं। ये सब उसकी चालाकी है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। कभी नहीं समझेंगे। मोहब्बत करता हूँ मैं नवीन से जैन। मोहब्बत की न खाए होती। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अबू, उसकी जिंदगी के फैसले आज तक आपने किए हैं और वो आपका फर्मा बरदार भी है। इतनी तमीज क्यों बांध रही हो? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। दरअसल अबू, मैं जहना को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। तो मैं, पता है ना, वो लड़की मुझे एक आंख में अच्छी लगती है। शामिल मेरे बेटे की तरह है, बस एक बहू बनाकर इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ? इस घर में तुम भी तो उसी उम्मीद के साथ आई थी ना। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हुई? क्योंकि मैं अभी तक आस लगाकर जो बैठी हुई। फतह है या सजा।